तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप मेरा थंबनेल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ हेयर केयर रेमेडी लाई हूँ जिससे आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। आजकल की बिजी शेड्यूल में, स्ट्रेसफुल लाइफ में हम अपने बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते, जिसका रिजल्ट होता है ड्रायर, डैमेज, अनहेल्दी हेयर, डैंड्रफ प्रॉब्लम, इची स्कैल्प। वक्त से पहले हमारे बाल सफ़ेद हो जाते। आजकल तो टीनएजर्स के बाल भी सफ़ेद होते हैं। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने बालों का ख्याल नहीं रखते और पॉल्यूशन, ये सबसे हमारे बाल बहुत ही डैमेज्ड होने लगे हैं। तो अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने बालों के लिए, और मेरे इस हेयर पैक के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप ये थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने बालों के लिए, तो आपके बाल अमेजिंगली हेल्दी, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। क्योंकि हम एक तो अपने बालों का ख्याल नहीं रखते, फिर जब हम कोई अच्छे हेल्दी हेयर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वाओ, आई विश मेरे भी बाल ऐसे होते। तो बाल खूबसूरत बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ये अमेजिंग हेयर पैक बनाने के लिए आपको उतना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे आप पूरे वीक में से एक संडे निकाल लीजिए और इस हेयर पैक को आप संडे के दिन यूज़ कीजिए। एवरी संडे जब आप इस हेयर पैक को यूज़ करेंगे तो आपको एक वास्ट डिफरेंस दिखेगा, मतलब ड्राई डैमेज टू हेल्दी हेयर में आपके बाल कन्वर्ट हो जाएंगे। और तब आप खुद सोचेंगे कि हाँ, मैंने आपको जो रेमेडी बताया वो सच में कितना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अपने खुद बालों पे ये रेमेडी लगाया है। मैंने इसका, वैसे तो मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग से शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग विंटर में जानना चाहते हैं कि उनके बाल कैसे सॉफ्ट हो, कैसे स्मूथ हो। तो इसलिए मैं ये हेयर केयर टिप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आई मीन हेयर केयर रेमेडी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो पे जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही उस बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग लूँगी। एग एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड होता है आपके बालों के लिए। एग में विटामिन ए, ई, बायोटिन एंड फोलेट होते हैं, जो आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बाल बहुत ही हेल्दी होते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। एग आपके बालों से एक्सेसिव ऑयल को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर्ड लूँगी। कर्ड में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर रखता है, इचिनेस को दूर रखता है, आपके बालों में डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। कर्ड में रिच इन विटामिन B5 एंड BD होता है, जिससे आपके बालों को शाइन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेमन ऐड करूँगी। लेमन एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, जो आपके बालों को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ ही ये भी आपके बालों को डैंड्रफ फ्री रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ बनाना लिया है। मैंने इसे मैश कर लिया है हाथों से, फिर इसमें ऐड किया है। बनाना रिच इन पोटेशियम, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, शाइन प्रोवाइड करता है, डैंड्रफ फ्री करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है। इस हेयर पैक को अपने बालों में अच्छे से लगाएं और इसे एक घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। इस हेयर पैक को लगाने के बाद जब आप अपने बालों को वॉश करें तो उसको इजीली आप ऐसे रिमूव करें, क्योंकि वो बनाना आपके बालों में स्टिक हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कंडीशनर यूज़ करोगे तो बनाना आपके बालों से इजीली रिमूव हो जाएगा, और अगर कुछ रह भी जाते तो वो ड्राई होने के बाद अपने आप वो निकल जाएगा। तो वैसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और उसके बाद जब आप अपने बालों को देखोगे आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा, वो कितने सॉफ्ट हो जाएंगे, उसका टेक्स्चर कितना स्मूथ हो जाएगा। तो ये वीक में आप एक बार ज़रूर रेमेडी यूज़ कीजिए। एंड एक टिप है आप लोगों के लिए फॉर हेल्दी हेयर, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा आपको। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो आपके हेयर अपने आप हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके बालों की जो जड़ है वो स्टिमुलेट होगी अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे। तो ये एक टिप था आप लोगों के लिए कि आपको पानी ज़्यादा पीना है और अपने बालों का ख्याल रखना है, अपने बालों को धूप से बचाना है। आप स्कार्फ़ या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो अपने बालों को धूप से बचाने के लिए, या आप मेक श्योर कि आप कंडीशनर का यूज़ करें या लिव इन कंडीशनर का यूज़ करें। अगर आपको कंडीशनर यूज़ करने का टाइम नहीं है तो आप लिव इन कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो गीले बालों पे बस लगा सकते हैं आप, तो उसके बाद आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते, टेंगल फ्री हो जाते, मैनेजेबल भी हो जाते हैं।
अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हैं, कुछ और ब्यूटी रिलेटेड रेमेडी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल एंड अमेजिंग टिप्स लेकर आऊँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।